Show. आज मैं अपने सारे दर्शकों को बता दूं, जितने भी लोग हमें टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, आज हमारे जवान जो है सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर हमारे शो के यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप सबको सल्यूट है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने खास तौर पे इनको इनविटेशन भेजा और आप सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे आईजी साहब मिस्टर राजकुमार और उनकी मिसेज साथ में यहाँ पे मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप अपने बहुत कीमती समय में से समय निकाल के यहाँ पे आए। सो उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत हंस के जाएंगे। अर्चना जी, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जो बॉलीवुड में अपना एक खास मुकाम रखते हैं। ये हम हिंदुस्तानियों के दिल में बसे हुए वो एंटरटेनर नंबर 1 हैं, जिन्हें कोई खिलाड़ी कुमार कहता है, कोई एक्शन कुमार कहता है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं वेलकम करना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सुपरस्टार पद्मश्री मिस्टर अक्षय कुमार। How are you? How are you? Good, abhi mera first class बहुत है। बाजी क्या हाल है तेरा? एक बार अक्षय बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अक्षय बाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाजी, केसरी का ट्रेलर बहुत ही बाकमाल ट्रेलर बाजी, और बहुत कमाल लग रहे हो आप। थैंक यू भाई। बाजी, मुझे यकीन है कि जब लोग बड़ी स्क्रीन पे ये फिल्म देखेंगे लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। पर केसरी के बारे में कुछ और बताइए बाजी। ये 1897 में हुआ था, जहां सितंबर 12 को जब 21 सिख एक सारागढ़ी फोर्ट के अंदर थे, जहां 10,000 इन्वेडर्स आए थे और उन्होंने ये सोचा था कि हम इन 21 सरदारों को आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद ये फोर्ट पे कब्जा करने के बाद 2 और फोर्ट थे, एक ही दिन में उसको कब्जा करना था। अगर एक दिन में वो तीनों फोर्ट कब्जा कर जाते हैं तो वो भारत के अंदर आ सकते थे। सुबह 9 बजे ये शुरू हुआ था और शाम के 6 बजे तक लड़ते लड़ते तब जाके ये सारे 21 शहीद हुए थे। तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और बाहर से और भी सिख रेजिमेंट आ चुकी थी और उनको फिर भागना पड़ा था। That is the basic story. क्या बात है। और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी हम अपने बच्चों को दिखाएं और उनको बताएं कि हमारे देश से कैसे शूरवीर पैदा होते हैं। हमें पता है कि बहुत सारी हमारी जो हिस्ट्री है वो कमाल की है। और आप अगर गूगल करेंगे, अगर आप डालेंगे कि सबसे कमाल की 5 वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैटल, तो आपको पता चलेगा कि सारागढ़ी उसमें नंबर 2 पे आती है। Wow. So this is one of the most unbelievable battle, and I hope जब आप लोग देखें ये फिल्म, I hope you guys enjoy it. Yes. अच्छा, अभी की फिल्मों में तो क्या है, मॉडर्न तरीके का एक्शन आ गया है। तो अक्षय पाजी तो ब्लैक बेल्ट हैं, ताई कमांडो ये सब जानते हैं। तो पाजी, जब केसरी में आप कर रहे थे एक्शन, तो तलवार से या बंदूकों से लड़ रहे थे, तो बीच बीच में आपके कराटे निकल आते थे कभी? वैसे भी जब शॉर्ट फाइटिंग करते हैं तो उसमें मार्शल आर्ट की जरूरत होती है। अच्छा जी, जब आप फिल्मों में नए नए आए थे पाजी, 25 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया आपको, तो तब कैसे स्टंट्स करते थे पाजी आप? मुझे अभी भी याद है, मेरी 3 या 4 फिल्म थी, तब मतलब फाइट मास्टर अगर देख लेना कि पैडिंग वैडिंग पहन रहे हो तो वो कुछ अजीब सा बोलते थे। मुझे अभी याद है, मैं पैडिंग पहन रहा हूँ तो एक मास्टर आया, नाम नहीं बोलूँगा। अच्छा, क्या कर रहा बेटा? मुझसे पैडिंग पहन रहा हूँ। चांद पे जा रहा है? चांद पे आ रहा है बेटे, चलो मसी लग जाएगी। देखो मुझे कुछ हुआ, मेरे सिर्फ मतलब बहुत मुश्किल होता था उस वक्त करना, बट अब तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। Yes. अच्छा पाजी, अभी केसरी की शूटिंग करके अभी जस्ट फिनिश की है, उसके बाद एक और फिल्म गुड न्यूज की शूटिंग कर रहे हैं। बीच में एक दिन मिला, उसमें भी अपने कपड़ों को आग लगा के कहीं घूम रहे, मैंने देखा कल आपको। पाजी वो क्या था, मतलब मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी इंस्टा पे, ट्विटर पे, वो किस लिए आग लगा के घूम रहे थे पाजी? कपिल, मैं डिजिटल एक कर रहा हूँ। अच्छा। एंड माय सन टोल्ड मी कि डैड गेट इनटू डिजिटल, तो मैं बोला चलो। वो डिजिटल पर कपड़ों को आग लगाने की क्या जरूरत थी पाजी, वैसे ही बोल देते आप। यही है तेरे और मेरे में, यही फर्क है। इसलिए उसमें पैसों का भी अंतर आता है। नहीं आर्मी जाए सीधा बोल दे कि मैं अब सीरीज कर रहा हूँ। आग लगा के पूरा लाइमलाइट लेने की इनको आदत है पाजी। पर क्या बात है पाजी, बड़ा कमाल लग रहा था। अच्छा अक्षय पाजी जो हैं वो आप सब जानते हैं। अच्छा मैं बोलता हूँ तो पाजी कहते तू मेरे को नजर तो नहीं लगा रहा, पर मैं अक्षय भाई सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले एक्टर हैं। हमारे शो पे भी सबसे ज्यादा बार आए अक्षय पाजी, चाहे शुरू करवाना हो शो, कई बार तो बंद करवा के भी गए हैं। लेकिन इस बार इतनी देर से क्यों आए हमारे शो में? मैं ये देखना चाहता था कि इस टाइम मैं आऊंगा तो चालू ही रहेगा ना। अब तो बीच में चला तो नहीं जाएगा ना। नहीं पाजी आपका आशीर्वाद है, अब नहीं जाते। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कपिल, इस शो को कभी मत छोड़ना। मैं चाहता हूँ कि मैं जब आऊँ मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, तब तक मैं भी चाहता हूँ कि तू भी बूढ़ा होते हुए आए कपिल शो, कपिल शर्मा शो। क्योंकि तेरे अंदर वो खासियत है कि तू कितने लोगों को, दुनिया में कितने लोगों को हंसाता है, और जो जानता हो कि लोगों को कैसे हंसाया जाए, वो मैं समझता हूँ वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पीपल होते हैं। भाई लव यू, थैंक यू। सो ये शो को बंद होने मत देना, चलते रहना, करते रहना। थैंक यू भाई, चाहे तेरे पास कितनी भी फिल्में आ जाएं, लेकिन चलते रहना। ये तो पाजी इसलिए चेक कर रहे थे एक्चुअली। अच्छा इसलिए नहीं आया आप, मुझे लगा 3-4 फिल्में साथ में पकड़ ली आपने। तो ये हमेशा पिछली बार भी जब मैं एक शो पे आया था तब भी इसने यही पूछा था। खुद कितनी बार कुछ भी कर लेता है, कितनी बार चीजें। अभी तूने जब शादी की अपनी जी, तो कितने 4 रिसेप्शन, 4 रिसेप्शन किए। जब इसने फिल्म भी की उसमें भी 3-4 हीरोइन थे। जी जी जी, इसमें 4 थी। अक्षय इज जेलस। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हो? अच्छा सर, आपके टी शर्ट पे तो लिखा है ब्रेवेस्ट बैटल फॉट, और कपिल जी ने जो 4 रिसेप्शन किए उसके लिए ब्रेवेस्ट मैन ऑन अर्थ लिखना चाहिए। हाँ। भाई शुक्रिया। ब्रेवेस्ट मैन ऑन अर्थ जिसकी नजर दूसरों की आमदनी पे रहती है। मैंने 4 रिसेप्शन कर लिए, फिर पैसे खत्म हो गए, इसलिए दोबारा शो शुरू करना पड़ा पाजी हमें। और ये हमारे जवान जो है इन्होंने बात जो कही कि आपने शादी कर ली है, बेसिकली इनका कहने का मतलब शादी कर ली है, तो ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ द अर्थ है आप। सर आपकी भी शादी हो चुकी है? यस आई। तभी ये एक्सपीरियंस बोल रहा है ना। yes. तो हमारे जवान कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी आफत आज नहीं डरते हैं, लेकिन बीवी के आगे ये भी जवान नहीं है। जस्ट वन थिंग I would like to say, sir, I salute you from the bottom of my heart for the kind of support that you give to the soldiers. Thank you. Really, you are a great inspiration. Moreover, talking about this show, I was in Cobra. I was in anti-nexal operations for 4 years. So it was pretty much tough access. Like it was in the South Sukma. अच्छा जी. So जब हमको जब spare time होता था, तो वहाँ पे network connectivity जो होती है phone की, वो भी बहुत कम रहती थी. तो ओनली सोर्स वाज कि हमारे पास टीवी था और हम कपिल शर्मा शो देखते थे। इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कपिल तेरा शो इतना बड़ा शो है, इतने सारे लोग देखते हैं, क्यों ना तेरे शो पे एक बात बोली जाए कि ऐसा हो जाए कि भारत देश में जब भी आप किसी यूनिफॉर्म में किसी इंसान को देखें जी, उनको बस ऐसे सैल्यूट किया जाए। मैं हमेशा करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो एक ऐसा ही, आप इसको रूल तो नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये एक मन से निकले सबके अंदर से, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जज्बा मैं हमेशा करता हूँ, कभी भी किसी अपने फौजी भाई को देखूं, किसी को भी यूनिफॉर्म में देखूं, तो अपने आप ही मेरा सल्यूट जो हो जाता है, क्योंकि आप सब लोग बहुत डिजर्व करते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा मैं, आप लोगों से पूछना चाहूंगा सबसे टफेस्ट पोस्ट कौन सा रहता है इंडिया में? सियाचिन ना? क्यों नहीं कपिल, एक वादा करते हैं कि तू और मैं सियाचिन में जाकर शो करते हैं। नहीं जाएंगे। हाँ मैं बड़ी देर से लोग जी। हाँ उनका मन बहला के आएंगे। डन पाजी। डन। चलो। डन। हमारी सोनी टीवी से भी दरख्वास्त है, हमारी बात हो चुकी है, आप अपना देख लो। सर आप बातचीत शुरू होगी तो आपसे जानना चाहता हूँ, जब मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, लेकिन जब आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जैसे सर ने भी कहा कि बहुत बार फोन का नेटवर्क नहीं होता है, टीवी चलो किसी तरीके आप देख लेते हैं, पर सर और एंटरटेनमेंट के साधन क्या रहते हैं आपके पास? मैं पहले अक्षय सर के सल्यूट वाले पॉइंट पे आना चाहूँगा जी। सर ने सल्यूट के लिए कहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ या सभी दर्शकों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, जनरली सल्यूट राइट हैंड से करते हैं, लेकिन कपिल सर ने आके दोनों हाथ से सलूट किया था, तो इनके दिल में भी बहुत ज्यादा मोहब्बत है हम जवानों के लिए। थैंक यू। वैसे मैं सर लेफ्टी हूँ, मेरे सारे काम लेफ्ट से करता हूँ मैं, तो मैं सल्यूट इधर भी किया था, मुझे लगा फिर इधर भी जवान बैठे, तो मैंने इधर से भी कर दिया। शुक्रिया सर। जैसे आप सबको पता ही है कि अक्षय पाजी ने इनिशिएटिव लिया था, सो होम मिनिस्ट्री के साथ मिलके, हमारी भारत सरकार के साथ मिलके एक ऐप शुरू किया था, भारत के वीर। हाँ। तो जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। हम ये कहेंगे कि हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक ऐप मैंने शुरू किया सरकार के सहायता से, होम मिनिस्ट्री की सहायता से, राजनाथ सिंह जी की सहायता से। क्यों ना हम जो शहीद होते हैं उनके परिवार को, चाहे कुछ भी हो जाए, उनके जो उनका जो नुकसान हुआ है वो हम भर नहीं पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, वो कभी हम भर नहीं पाएंगे, लेकिन सरकार जो देती है वो देती है, लेकिन एज अ सिविलियन हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो ये एक ऐप है जो ना कोई इसके बीच में NGO है, ना इसके बीच में कोई सरकार है। अगर कपिल किसी सोल्जर के परिवार को 10,000 रुपये भेजना चाहे तो वो डायरेक्टली सोल्जर के बीवी को उसकी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भिजवा सकता है। बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस भारत के ऐप के जरिए करीबन 500-550 शहीद जवानों के परिवारों को 15-15 लाख रुपए जा चुके हैं। तो ये याद रखिए, ये हेल्प नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है, देना ही पड़ेगा। जय जय। थैंक यू अक्षय भाजी इस इनिशिएटिव के लिए। तो आज हमारे बीच श्री राजकुमार जी, IPS, IG, CRPF हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ऐसे CRPF ऑफिसर, मैं अक्षय जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत के वीर का, जो सपोर्ट सोसाइटी का और राष्ट्र का हमारे मार्टर्स के लिए आया है, डेट इज ओवरवेलमिंग। वाह, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा राज, रीजनल प्रेसिडेंट CRPF फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी यहाँ पे मौजूद है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगा कि CRPF फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, उसके अंदर आप क्या क्या करते हैं हमारे जवानों के लिए? इसमें हम लोग वेलफेयर के थ्रू हमारी जो जवान से हैं उनकी फैमिली को जो संभव सहायता हो सकती है, जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो करते हैं। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग मदद करते हैं। बहुत सी लेडीज़ हैं जो बहुत इंटीरियर को बिलोंग करती हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं जो उनको ज़रूरतें होती हैं, वो हम लोग पूरी सहायता करते हैं उसमें। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मैम आप, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए। और जो आप लोग कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हम सब के लिए, उसके बदले में हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आप हमारा परिवार हैं। अगर आप बॉर्डर पे खड़े हैं या कहीं दूर दरार कहीं किसी स्टेट में या शहर में आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो आप भी निश्चिंत रहिए, बिकॉज पूरा देश जो है आपके साथ है और आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, बल्कि हम लोग एक ही परिवार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बातें भी कर ले, बिकॉज आप पूरा साल जो है काफी स्ट्रेस में भी रहते हैं, बिकॉज आपकी जॉब ऐसी है। लेकिन अगर हमारे जवान जो हैं, अगर आप में से कोई गाता है तो आप आज अपना शौक पूरा कर सकते हैं। आइए आइए सर। या जम मारा। अरुण कुमार जी सर, वेलकम। तो बहुत मजा आया अरुण जी आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। आइए, शुक्रिया, थैंक यू मैम। आइए प्लीज। और भी हमारे दोस्त हैं, बड़े सारे आर्टिस्ट जी, तो आज हमारे जवानों का इतना फर्ज तो बनता है आज। वाह, आइए 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 संदीप जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। संदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं आप? ओके, तो आप अभी मुंबई में तैनात हैं आप? यस सर। अच्छा, मेरी बात तो सुनो 2 मिनट। शादी हो गई आपकी? कितने साल हो गए? 2010 में। 2010 में, ओके। तो उसके बाद पहले भर्ती हो गए थे ना आप? ओके, तो जब फिर अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होती थी तो आपकी वाइफ तो यहाँ पे रहती होंगी? घर में रहती है सर। तो फिर वो आपको फोन वोन कैसे करती थी, कैसे बातचीत होती जब जंगलों में घूम रहे हैं आप? सर, मैं जब नया शादी करके गया था जी, उस टाइम में आसाम में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। अच्छा जी। तो हमारे जैसे कंपनी कमांडर थे जी, वो हमको 3-4 दिन के बाद एक जगह होती ऊंची पहाड़ पे, वहाँ पे लेके जाते थे। अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा है यहाँ पे, वो बैठे वहाँ। अच्छा जी, कहाँ है? वो है सर दोनों। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका. या पुढे या पुढे या. Yeah, sir. Yeah. नमस्कार जी, कैसे हैं आप? आइए. सर आपको बहुत बहुत बधाई. आपका बेटा देश की सेवा कर रहा है सीआरपीएफ में रह के. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. हिंदी नहीं आती है, सिर्फ मराठी समझते हैं? नहीं, मैं ही बात कर सकता. अब तू चुप रहेगा, मैं बात करूँगा. हाँ, पूछ क्या पूछना है मुझे पता, मैं बताऊंगा इनको. मैं उनको बधाई दे रहा था कि उनका पुत्र जो है वो देश की सेवा कर रहा है सीआरपीएफ में रह के. तुमचं पोरगा म्हणजे देशाची सेवा करतोय अजून, तो बस मुबारक दे रहा था. और क्या, फक्त त्यांना मुबारकबाद द्यायचं आहे. आणि तो म्हणतो तो खूप खूप खुश आहे. आपल्या कुठल्या गावातलं? शेवगाव तालुका. हे घ्या हे घ्या हे घ्या. शेवगाव तालुका, अहमदनगर जिल्हा, वडले बुद्रुक गाव. बर, हे आणि हा एकटाच पोरगा? दोन मुलं आहेत. हे पण त्याच्यामध्ये सांगायचं. दोन मुलं आहेत. दोन मुलं आहे. आणि दुसरा पोरगा काय करतो? तो कंपनीमध्ये. तो कंपनीमध्ये. आपण काय शेतकरी, शेती करतात. बरं, पण आम्हाला खूप चांगलं वाटलं तुमच्या पोरग्याला बघून. आणि बरं, थँक्यू थँक्यू, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. आइए, शुक्रिया शुक्रिया. आइए, हळू 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 जाना. शुक्रिया संदीप. तो फिर अच्छा बताया नहीं आपने. अच्छा बात बीच में रह गई. तो फिर पहाड़ पे जाके वहाँ से फोन मिलाते थे? वहाँ पे भी सर पूरा मतलब प्रोटेक्शन में लेके जाना पड़ता था. अच्छा. रिश्ता भी लगा था ना, तो वहाँ पे फिर 3 दिन के बाद मैं घर में बताता था कि मैं 3 दिन के बाद फोन करूँगा. वाह. उसके पहले इंतजार मत करना. तो जो पति लोग जो होते हैं ना, शुक्रे पति लोग, जब बोलते हैं हमारी बीवी तो बड़ा परेशान करती है. भाइयों, कभी जाके आप फोर्स में रह के देखो, जब आप अपने परिवार से दूर रहते, जब नेटवर्क नहीं आता, तब कितनी याद सताती है. सो सर आपको सल्यूट है. आप अपने परिवार से दूर रह के हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं. सो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सबका. हमारे जितने भी दूसरे जो सिविलियंस हैं, जैसे हमारे जवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, और आज तो उन्होंने आपको एंटरटेन भी कर दिया. तो कोई और हमारा दोस्त जो नाच गा के हमारे जवानों को एंटरटेन करना चाहता हो तो हाँ, क्वेश्चन भी नहीं पूरा होने दी मेरा. आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए. हेलो सर, मेरा नाम गणेश है. आप क्या नाम है ब्रदर आपका? अच्छा जी, तो आप क्या करते हैं ब्रदर? मैं जुम्बा ट्रेनर हूँ. अच्छा, वाह वाह. आइए प्लीज मंच पे आइए. ओ मेरे भाई, देख तो ले कौन है. घुंघटा उठाओ. वाह वाह, क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए परिणीति चोपड़ा के लिए. हाय परी, हाउ आर यू? वेलकम वेलकम. बड़ा तूने सरप्राइज दिया घूंघट लेके. अरे कमाल की बात बताता हूँ आप सभी को. अच्छा, आप अभी घूंघट खोला. नीचे करवा लेंगे, ऐसी रहेंगी. मेरी बात तो सुनते हो. कमाल की बात बताता हूँ. हाँ जी, अभी घूंघट खोला, उसमें से परिणीति निकली. मुझे देख के कहता थैंक यू भाई. अरे थैंक यू भाई क्यों? मैम के साथ डांस करने के लिए अच्छा लगा. थैंक यू पाजी को क्यों बोला? थैंक यू बोला सर. कोई गिफ्ट नहीं आई है. मेरे लिए गिफ्ट ही है सर. लेकिन जब घूंघट में नाच रही थी परी सर, तब नहीं इनको आइडिया था ना कि कौन है. तब अपना लगा हुआ था एक. वाह, अभी कितना क्या डिसिप्लिन देखा भाई. 1 2 और आर्मी जैसा. परी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. हेलो 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 गणेश, देखो हमारे जवानों ने आपको एंटरटेन किया, आपने जवानों को एंटरटेन किया. आपकी भावना अच्छी थी, तो देखो आपको परिणीति के साथ डांस करने का मौका मिल गया. अच्छा लग रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है. कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा. शादी है हो गई आपकी? हाँ सर, हो गई है. चलो फिर चलिए. तो परी का बहुत बहुत स्वागत है. एक बार जोरदार तालियां. परी भी आपको फिल्म केसरी में अक्षय पाजी के साथ दिखेंगी, और ये किस रूप में दिखेंगी ये आपको खुद बताएंगी बाद में. लेकिन पहले ये बताएंगे मेरी शादी में क्यों नहीं आई है? मैं नहीं देख पाई. या मैं नहीं, मैं घर पे कोने में बैठ के रो रही थी कपिल. मैं नहीं देख पाई. हाय, थैंक्स बट मेरी फैमिली का प्रेशर था. आई एम सॉरी. अच्छा ओके, जोक्स अपार्ट, लेकिन परी आप प्लीज अपने रोल के बारे में बताइए कि केसरी में आप किस रूप में नजर आ रही हैं. बड़ी प्यारी लग रही बाय द वे, हमने ट्रेलर में देखा. थैंक यू. पंजाबी लग रही हूँ ना पूरी है ये, तो उसमें क्या है? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि इतनी खूबसूरत फिल्म में मुझे ये रोल प्ले करने का चांस मिला. क्योंकि एक तो वॉर फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म, अक्षय सर के साथ मुझे पिक्चर करनी थी, तो बहुत मजा आया उनकी लव इंटरेस्ट प्ले करने का। चोरी करके केला खा रहा है वहाँ से, फ्रूट खत्म कर रहा है चोरी करके। अच्छा अपना ही सेट है, चल हाँ। इतना टीआरपी का फायदा होता है फिर भी इसमें क्या एक केला चुराने से आप लोग चोरी कर रहे हैं? अरे हमें नहीं खाने देते फ्रूट यार, तुम्हारे लिए खाली है, सिर्फ गैस के लिए। सिर्फ गैस के लिए हम नहीं खा सकते वहाँ से फ्रूट उठा। नहीं नहीं ये ऐसे बोल रही है, जब गैस चले जाते हैं ना सारी ट्रे खुद ही खाती है घर में जाके। ये बात मैं विश्वास करता हूँ। अच्छा परी, अक्षय पाजी के साथ आपकी पहली फिल्म है। हाँ जी। तो अक्षय पाजी अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, मेकअप पूरा 7 बजे पूरा सेट पे रेडी होते हैं। करेक्ट। तो आपको ये सब उठने में, जल्दी उठ के रेडी होने में मजा आता था कि गुस्सा आता था? हाँ एक्चुअली ये मेरे पहले हीरो हैं जो जब हम लोग बॉम्बे से बाहर शूटिंग करते थे तो मेरे उठने पे नहा के मैं निकलती थी और मेरे जो असिस्टेंट है अजय जी वो आके मुझे चुपचाप बोलते थे अक्षय सर आपके दरवाजे के बाहर वेट कर रहे ऑलरेडी। अच्छा। मतलब कि अगर लेट हो रही है या कुछ भी है तो हम लोग साथ में ही जाते थे हमेशा। ही इज द फर्स्ट हीरो जो पहले रेडी होके, उनका तो आई थिंक आधा दिन खत्म हो जाता था 6 बजे तक सुबह। अच्छा। तो ही यूज्ड टू कम एंड वी यूज्ड टू गो टुगेदर, तो इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट शूट्स ऑफ माय लाइफ। लेकिन ये सच भी है कि हम लोग नहीं हाँ सर बिल्कुल। लेकिन ये सच भी है कि हम लोग बहुत गेम्स खेलते थे, ताश, पत्ते, लूडो सर, लूडो। तो मैं बहुत मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कितने पैसे मैं हार चुकी हूँ। भगवान की कसम खा, तूने एक फूटी कौड़ी भी दी है? बता बता सर, तूने बोल तो दिया सबके सामने मैं बड़ा हारी हूँ, बोला तो ऐसे जैसे पता नहीं इतना बड़ा चेक दे दिया मेरे हाथ में। एक पूरी कौड़ी नहीं दी इस औरत ने। सर मैं वो दूंगी, मैं कंगाल हो जाऊंगी, बहुत पैसे जीता आपने। अरे उसका आधा दे दे, आधे का कम, थोड़ा थोड़ा सा तो कुछ तो दे दे, परसेंट दे दे कुछ। अभी 4-5 साल बाद मैं और पैसे इकट्ठे करूंगी, 100 का पन्ना ही दिखा दे दे हाथ में। टॉपिक चेंज करना है? टॉपिक में चेंज करता पर मैं टॉपिक पर पाजी आपको 25 से पैसे क्या करने, इतने भगवान ने आपको दिए। हाँ। आपको पता है मुंबई में कहीं पे भी जगह पे फ्लैट देखने चले जाओ ना, ब्रोकर क्या बोलता है? सर ये ले लो, ये 4 फ्लैट जो हैं साथ में अक्षय कुमार के हैं। हाँ। ये बिल्डिंग में देख लो, ये पेंट हाउस अक्षय कुमार का। पाजी ये सच्ची आपके फ्लैट होते हैं कि ब्रोकर ऐसे बोलते हैं? नहीं नहीं भाई, मेरा तो बड़ा मन करता है स्टूडियो के या प्रोड्यूसरों के बच्चे खा जाऊं। नहीं पर अच्छी बात है यार, इंसान ने मेहनत की अपना पूरा। मेरे को बड़ी अच्छी लगती है अक्षय पाजी की बातें। अर्चना मैम आप गवाह हैं, बहुत सारे एक्टर्स जब आते हैं कुछ बोलते हैं ना कि मैं इस करेक्टर में घुसने के लिए मैं 1 महीना अपनी स्क्रिप्ट लेके कमरे में घुस गया था। हालांकि जब वो कमरे में घुसते हैं 1 महीना करेक्टर में अपने आप को ढाल के आते हैं, बाहर आके देखते हैं अक्षय कुमार की नई फिल्म का पोस्टर लगा होता है, और फिर वो जितना करेक्टर में घुसे होते हैं सडनली वो करेक्टर से फिर बाहर आते हैं, अक्षय की गौर फिल्म आ गई। अच्छा पाजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आप किसी करेक्टर में घुसने के लिए आपने कभी ऐसा किया? 1 महीना लिया कभी? इतना टाइम नहीं है उनके पास, आपने बोला ना उतने में तो शूटिंग खत्म हो जाती है। एक्चुअली आपके फैन पाजी, लव यू। आइए तो अक्षय पाजी आते हैं ना, मैं इनको बैठने के लिए कभी पूछता हूँ क्योंकि इनको बैठना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ एनर्जी बहुत है ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ। पर ये आई तो थोड़ा बैठ लेते सोफा। आइए आइए प्लीज, कम ऑन, यू लुकिंग फैब बेबी, कम ऑन। आंटी देखो शुरू हो गया, देखो परी तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो ना। हाँ। तेरी बीवी को फोन करूं मैं? अच्छा चलो आओ, हैव सम ब्रोकली। ये पहली बार हुआ ऐसा। आंटी देखो, मम्मी को पता ही था मेरा बचपन से, तभी तो जोर लगा रही थी कर ले शादी। सबसे स्वीटेस्ट सुपरस्टार के लिए जोरदार ताली हो जाए। हाय कैसी है? मैं ठीक हूँ यार। मेरी प्यारी बिंदु। कितना अच्छे हीरोइने लोग का स्किन कितना अच्छा रहता है ना कप्पू। हाँ ये तो है, कितना ग्लोवली रहता है, और हम लोग का स्किन देखो ऐसा घसो तो चिंगारियाँ निकलती है। अच्छा अक्षय सर, सब लोग जानते हैं आप सुबह 4 बजे उठते, आपको जानकर बहुत खुशी होगी, हम लोग भी नाला सोपारा में 3 बजे उठते। तू 3 बजे क्यों उठती है? पानी भरने के लिए उठना पड़ता है। फिर उसके बाद है ना टॉयलेट के लिए लंबी लाइन लगती है। पता है सर बहुत प्रॉब्लम है। क्यों? 3 बजे जाओ ना, फिर 7 बजे नंबर आता है करने के लिए। बहुत ऐसा रोक के रखना पड़ता है। सर मैं क्या बोलती है, आपका तो बहुत विल पावर है, स्टेमिना भी बहुत है, आप तो ऐसा 2-3 दिन तक ऐसा रोक के रख लेते होंगे। क्यों ईश्वर, क्यों रोकना क्यों? तू पागल है? ऐसे 2-3 दिन तक कौन रोकता है? अरे बहुत बिजी स्टार है, करोड़ों का काम छोड़ के 2 रुपए का काम करने थोड़ी जाएंगे। ऐसे ही रहते हैं। लेकिन सच्ची में अक्षय सर का फिटनेस बहुत अच्छा है। मालूम है इतना फिटनेस है, हम लोग चेस खेलते हैं ना तो हाथी ऐसा सीधा चलता है ना, अक्षय सर चेस खेलते वो किधर भी चलता है। क्यों? ऐसे क्यों? उसको डाइट पर रखा है ना इन्होंने। बोलते 6 बजे के बाद कुछ खाने का नहीं। बेचारा ऐसा बेहोशी की हालत में कभी इधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी ऐसा रहता है। तू भी भागा कर, थोड़ा फिट रहेगी तू। मैं तो बहुत भागती है ट्रेन के पीछे। क्यों? अभी नाला सुपारा से ट्रेन पकड़ते ना हम लोग, बहुत टाइम जाता। आपको मालूम है परिणीति, आप गए क्या ट्रेन व्रेन में? अरे कितना गर्दी रहता है मालूम है, ऐसे सब चिपकेले रहते है, मतलब अपना सामान भी दूसरे के पॉकेट में रखना पड़ता है ऐसा ऊपर से कि हाथ नीचे जाते ही नहीं, कैसे जाएगा ऐसे। मैं तो घर से निकलते ना तो डिओड्रेंट भी नहीं लगाती, दूसरे का ऐसा घस लेती है ऐसे ऐसे। अक्षय सर फिटनेस का मेरे को एक सवाल पूछने का था आपसे। पागलों जैसे सवाल पूछी। अक्षय बाजी कितने फिट है? फिटनेस के टिप्स ले कोई उनसे। टिप्स ले चुके मैं ऑलरेडी अर्चना जी से। क्या? अर्चना जी ने अभी अपने फिटनेस के लिए सर जू ज्वाइन किया है। ए पागल, जू नहीं होता है, जिम होता है। नहीं, इन्होंने जू ही ज्वाइन किया है। उधर ना इससे चिंपैंजी को उठा के डम्बल की तरह इसे एक्सरसाइज करती है। आप लोग डम्बल प्रेस करते हैं, भालू प्रेस करती है उधर। और भालू को तो इतना प्रेस किया अब एक भी रिंकल नहीं है भालू में। भालू में ये सब तू मत करना कहीं, पहले चुड़ैल जैसी दिखती है तू। किसके लिए बनी? तेरे लिए बनी ना मैं चुड़ैल। बात करता है। खैर चुड़ैल से मेरे को याद आई अर्चना जी, मैं नहीं मैं बोल रही है क्या? ताली का बजाते तुम लोग। चुड़ैल से मेरे को याद आई अर्चना जी, आपने गोलमाल पिक्चर देखी ना, उसमें कैसा भूत का रोल किया था इन्होंने, बहुत अच्छा। ये ऐसे गायब होके सबको डराती थी। आपको पता है मैं भी नाला सुपारा में ना बिना गायब होके ऐसे करके सबको डराती है उधर। अच्छा अक्षय सर मैं क्या पूछ रही थी, आप 9 बजे ऐसा सो जाते तो फिर आपका लाइट वेट बंद रहता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का भी आपका बिल बहुत बचता रहेगा है ना, केबल का भी बिल आपका बहुत बचता रहेगा, तो इतना पैसा बचाते। 1,01,000 रुपया दो ना मेरे को। क्या करेगा? तो पहले तो सिर्फ 1 करोड़ मांगती थी, 1,000 क्यों ऐड कर लिया? और अर्चना जी ने बोला मेरे लिए भी मांग लिया कर। सच्ची में बोलती तू तो 1 करोड़ मांगती है, मेरा जितना बनता उतना ही मांगी, इसलिए 1,000 मांगी। परी मेरा इधर मसाज पार्लर है सर, सपना ब्यूटी पार्लर। वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप मसाज। सर देखिए आपके हिसाब से मसाज रखी हमने, गरम मसाला मसाज है। इसमें क्या है? हाँ। उसमें हम कस्टमर को ऐसा लेटाते हैं, हाँ। फिर उस पर गरम गरम तेल डालते हैं, हाँ। फिर वो तड़पता है और उसका मसाला निकलता है, ऐसा रहता है। वेरी गुड, गरम मसाला। परी आपके लिए तो स्पेशल मसाज है, हाँ, कौन सा? शुद्ध देसी रोमांस मसाज। इसमें क्या? उसमें क्या रहता है कि हम लोग शुद्ध देसी लगाते हैं और फिर कस्टमर को तब तक मसाज करते जब तक वो रोमांटिक नहीं हो जाता, ऐसा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सर वो भी बहुत अच्छे हमारे इधर गब्बर इज बैक मसाज। हाँ। उसमें क्या? वो आउटडोर मसाज रहता है, हम लोग काली पहाड़ी के पीछे लेके जाते हैं कस्टमर को, फिर गब्बर आता है और बैक से अपना मसाज देता है सर, तेल लगा। तो उसमें क्या रहता है, कस्टमर का भी मसाज होता है और गब्बर का भी मसाज हो जाता है, दोनों का। और फुल एंड फाइनल लास्ट मसाज है हमारा एतराज मसाज। इसमें क्या है? उसमें क्या है कि कस्टमर को हम वहां तक मसाज करते हैं जहां तक उसको एतराज नहीं होता, ऐसा है हम लोग। खैर सर जब भी टाइम लगेगा पिक्चर तो हिट होगी, उसके बाद आना सर, थोड़ा हमारा भी काम हो जाएगा इधर। ओके। अच्छा सर एक बात पूछने का था, ये आपका सब पिक्चर देखी मैं, लेकिन सबसे फेवरेट पिक्चर एंटरटेनमेंट। तो मेरे भाई को उसके बाद काम क्यों नहीं दिया आपने अपने साथ में? वो आपका भाई पता नहीं उसके बाद मुझे दिखा नहीं। अच्छा। उसके साथ एक शो देखने आया था मैं। हाँ। फिर वो अच्छा मैं चलती है फिर मैं चलती ओके मैं बोलती हूँ चल कप्पू। परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही। हाँ जी। साथ में एक और बात की बधाई। हाँ जी। इम्पोर्टेड जीजा मिले आपको। प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। हाँ। पर ऐसे ही जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चुराई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों हैं। मैं आपको बताती हूँ इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालगिरह में विद्रोह कर दें। हम तो दुआएं देके आए। जैसे अपने इधर शादी होती है तो जीजा जो आता है, जीजा की वैसे अकड़ बड़ी होती है ना, क्योंकि वो शादी घोड़ी पे बैठ के आया ना, रिबन काटेगा। साथ में जो ऐसे लौंडे लपाड़े रहते हैं जो जीजा के दोस्त, वो बड़ा लाइन मारते हैं। उनको पता नहीं जन्म सिद्ध अधिकार लगता है कि हमारे भाई की शादी साले खड़ी। तो अच्छा कई तो चलो खूबसूरत हो तो अलग बात है, कई टेढ़े मेढ़े वैसे। तो तुम पे लाइन तो नहीं मारी किसी ने अंग्रेज ने? हाँ बहुत हुई, मैंने लाइन दी नहीं लेकिन। शाबाश। सर आपको हमारा नमस्ते लंदन, आपको हमारा नमस्ते इंग्लैंड, ये लीजिए पर्सनलाइज्ड नमस्ते लेकर आए हैं। वाह बच्चा, ऐसा ही हमें शब्दों का खिलाड़ी नहीं कहते। अरे माइलो पॉजी सर, खिलाड़ी हमें नहीं कहते, खिलाड़ी तो आपको कहते हैं। सर आप टू टेल यू आई एम अ ह्यूज फैन, ह्यूज फैन, ह्यूज ह्यूज। क्या कॉम्बिनेशन है, एक तरफ अक्की दूसरी तरफ आटे की चक्की। You just call me चक्की। या वो तो शुक्र है कि हमारा सरनेम यादव है, पांडे होता तो हम चक्की पांडे बन जाते। वैसे अक्की सर एक बात जानना चाहेंगे। जी बोले सर, ये सीजन शुरू हुआ हमारा, रणवीर सिंह 2 बार आके गए, अनिल कपूर जी 2 बार आके गए, आप यार अब आ रहे हैं, व्हाई सो लेट? वो चेक कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड यार, मार्च एंडिंग है, इनकम टैक्स भर रहे होंगे, बिजी हो। अरे यार एक बात बताओ, मेरे आपका नाम बहुत खराब है। शो मेरे पैसों के पीछे क्यों पड़ा? मतलब कौन है वो राइटर जो ये सब लाइनें लिखता है? क्या परेशानी है उसकी शेरवानी में? पीछे पड़ बुला भाई कहाँ है वो? आज है इनमें से कोई है? सब बैठे हैं। वो तो नहीं है चश्मे वाला। सब बैठे हैं। वही है। आइए ऊपर आ। एक माइक इसको भी दो। चले भाई बैठ। तो ये है राइटर, हमें नाम बता अपना। बंकुश। जी सर। हाँ क्या परेशानी है बताओ, मेरे पैसों से क्या लेना देना आपका? क्या परेशानी है? मतलब काम मैं करूँ, सुबह मैं उठूँ, काम पे जाऊँ मैं, हैं सोऊं जल्दी मैं, कसरत मैं करूँ, अबे तेरे को क्या लेना देना? मतलब जो आदमी आया है इनकम टैक्स ज़्यादा दे रहा है, हैं इतनी सारी फिल्में करता है, इतने सारे ऐड करता है, क्या हुआ नहीं करूँ? ठीक है सर, भाई मत बोलना। सर जिसके पास होता है वो भरते हैं सर। हाँ, एक आदमी खाली 1 साल से पढ़ा है, नहीं है, नहीं भर रहा है तो। ओह बंकुश, वो तो अभी घर चला जाएगा सीधा। हाँ भाई शुरू कर। चलिए कोई नहीं सर, एक बात बताइए, एक और जरा जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे। अपने शाहरुख खान जी हैं, वो अपना फिल्म जो है दिवाली पे रिलीज करते हैं, सलमान खान जी ईद पे करते हैं, अपना आमिर खान जी हैं वो क्रिसमस पे रिलीज करते हैं। आपके पास अपना खुद का पर्सनल त्योहार है, आप उस दिन क्यों नहीं करते रिलीज? कौन सा त्योहार? अक्षय तृतीया यार। अक्षय तृतीया पर्सनल त्योहार आदमी लेके घूम रहा है यार, उस दिन करो रिलीज यार। सर एक और सवाल था जी, हम जानना चाह रहे थे सर, आपने करिश्मा कपूर जी के साथ फिल्म किया, फिर करीना कपूर जी के साथ फिल्म किया, शिल्पा शेट्टी के साथ किया, फिर आपने शमिता शेट्टी के साथ भी फिल्म किया, आपने प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म किया, अभी आप परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म कर रहे हैं। मतलब ये आप फिल्म कर रहे हैं कि बहनों की सीरीज चला रहे हैं? वो एक्टर हैं, वो किसी के साथ भी फिल्म करे, तुझे क्या है भाई झाड़िए? नहीं नहीं, तो ऐसे तो तू रोहित शेट्टी भी तो बोल सकता था, सुनील शेट्टी भी तो बोल सकता था। हाँ। हाँ, तो वो सब भूल जाता है, मतलब तुझे एक बनाना था इसलिए। लेकिन घर ऐसे क्यों ना करूं, अगर बहन राजी है तो क्यों ना करूं। हाँ। वो किसी के साथ भी फिल्म करे, तुझे क्या? यार एक बार ना आप जब टीवी देखते हैं अचानक से आपका फोन बजता है। हाँ। तो आप टीवी को क्या करते हैं? लाउड करता हूं, मैं नहीं बोलूंगा म्यूट। यादव जी जनरल नॉलेज आपकी काफी है बहुत। वो तो है ये। हाँ, कैसे? बताओ इस देश में कितने नदी हैं? इतने नदी हैं? मतलब हम भी तो कुछ सोच के आएंगे कि सारी सोच तू ही रखेगा। हाँ बच्चा यादव बड़े सवाल पूछता है। तकरीबन 55। और समुंदर कितने? 7 समुंदर। ठीक है ठीक है। और नले कितने होंगे? नल कैसे कोई बता सकता? अरे बताओ यादव, आज तुम मना कर रहे हो। नहीं ऐसे मना थोड़ी करेंगे। आई एम कॉन्फिडेंट। ये अपने नल ले लीजिए, कुछ 2 लाख नल होंगे। शावर कितने होंगे? 2 लाख ही होंगे। नल से ही नहा रहा है आदमी, शावर तो बेटा होंगे। तू नहाता क्यों नहीं? तेरा ना ऐसा कुछ नहीं सर, हम आपसे जेन्युइनली हम तो बहुत इम्प्रेस हैं सर आपसे। हाँ। आप एक इत्तेफाक का बात देखिए, सच्चाई है इस बात में। आप 4 बजे जैसे उठते हैं ना, सेम इवन आई नो हम भी खुद उठते हैं 4 बजे। हाँ। ये भी 4 बजे उठता है लेकिन आंखें खोलता है, बिस्तर से नहीं उठ पाता। 2 बंदे 6 बजे आते हैं जो इसको उठाते हैं, फिर 8 बजे 2 बंदे और आते हैं, वो उन दोनों को उठाते हैं जिन्होंने इसको उठाया था। तो कहने का मतलब है घुमा फिरा के 8 बजे तक बाहर आ जाता है। तो प्रोडक्ट बाहर तो आ रहा है ना यार, पीछे कितना लेबर लग रहा है उससे क्या फर्क है? परी, हालांकि ये बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए आपसे। हाँ। इसकी धोती बदलने में 4 आदमी लगते हैं। हाँ? धोती यहाँ से शुरू होती ना सर, तो इसके मुंह में पल्लू दे देते हैं, दूसरा आदमी पल्लू पकड़ता है, फिर रिक्शा में बैठ के जाता है इसके दूसरी तरफ। तो वो इसके पिछवाड़े की दूसरी तरफ पहुंच के फोन करता है कि मैं इधर पहुंच गया हूँ, अभी तो पहले वाली साइड बांध दे, तब जाके धोती बंधी है इस इंसान की। पिछवाड़ा ना हुआ, बांद्रा वर्ली सीलिंग हो गया यार। इसका बस चले तो ये आदमी वहां टोल भी खोल दे। वैसे परिणीति जी, हम देख रहे हैं आप काफी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। देखिए ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि हंसी तो फंसी। देखिए कहीं आप हमसे फंस के हमसे शादी ना कर ले। अरे शर्म कर, तेरे 11 बच्चे हैं तेरे। हाँ तो ये तो अच्छा बात है यार, लोग फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट ढूंढते हैं, हम आपको फुल्ली फर्निश्ड फैमिली दे रहे हैं। और क्या चाहिए लाइफ में किसी को? एनीवेज देखिए हमने यहाँ पर बच्चों का जिक्र किया है, तो जरा अपने बच्चों से मिला दे आप। हाँ। नाना जी ये देखिए यार, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बच्चों ने तंग तो नहीं किया ना? ओह माय गॉड, आपको कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको अर्चना जी। तो बहुत प्यार करते थे ये ना अर्चना जी से, जो शादी कर लिए तो इज अ लिटिल इन डिप्रेशन। कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है। ये है हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे। ये एक ही उम्र के 4 बच्चे एक साथ कैसे हुए? ये अपना अपना टैलेंट है। और देखिए हमारे यहाँ तो क्या छोटी छोटी बात पे बच्चे हो जाते हैं, चलता रहता है हमारा सर, मजाक नहीं कर रहे हैं। उस दिन हमारे घर पे लाइट चली गई, हम पानी पीने उठे, ये हो गया। और ये वाला सर मिश्रा जी की वजह से हुआ है। क्यों? कैसे? नहीं मतलब हम सो रहे थे, अचानक घंटी बजी, कोई मिश्रा जी का पता पूछने आया था। अब हमारी नींद टूट गई, ये हो गया। ये वाला बारिश की वजह से हुआ। बारिश? हाँ, हमने अपनी बीवी से कहा कि यार बारिश हो रहा है, पकोड़े बना दो। हाँ। उसने कहा कि घर में बेसन नहीं है। हाँ। अब उस दिन अगर घर में बेसन होता तो ये ना होता। अबे तेरे सारे बच्चे ऐसे ही हुए क्या? नहीं 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 यार, पति पत्नी का भी कोई जिम्मेदारी होता है, प्लानिंग से भी हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे सर बस चाह रहे थे कि आप लोग ना अपना आशीर्वाद हमारे बच्चों को दे दें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सर आपके जैसे कुछ बने। हमें ऐसा लगता है कि ये वाला जो हमारा बच्चा है ना सर, ये बड़ा होकर जरूर राउडी राठौड़ बनेगा। क्यों, कैसे मतलब? क्योंकि ये एक बार सुसु कहता है तो करता है, हाँ। और नहीं कहता तो डेफिनेटली करता है। और ये वाला सर, ये ना बड़ा होके खिलाड़ी बनेगा। क्यों? अरे कमाल कमाल के स्टंट करता है सर ये। अभी कल के दिन पे दोनों हाथों पे ऐसा खड़ा होके सुसु कर रहा था। ये वाला ना विक्टिम बनेगा। विक्टिम हाँ। क्यों? क्योंकि ये वाला इसी पे कर रहा था। तेरे सारे बच्चे सुसु ही करते हैं? हाँ तो बच्चे हैं, सुसु ही करेंगे यार। जॉली LLB थोड़ी ना करेंगे बच्चे यार। अजीब बात करते हैं यार आदमी। परिणीति जी, आपको एक बात बताएं, हाँ। हमारे बच्चे ना कभी कभी सोते नहीं हैं ठीक से, हाँ। तो उनको थोड़ा लोरी वोरी सुनाना पड़ता है। हमने सुना है बहुत अच्छा गाती हैं, हमने देखा है आपको गाते हुए। लोरी? वाह वाह वाह। कोई लोरी ऐसा प्यारी सी अगर गाना गा लो। हाँ ओके, जो भी तुम्हारा दिल करे। मैं खड़े होके गा सकती हूँ, मैं बैठ के नहीं गा सकती। तू छुप के गा, बैठ के गा। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हो गया? नहीं नहीं दिखाइए, शायद नहीं तेरा बच्चा। ना लाइए लाइए लाइए। ओ स्टंट्स करता है सर, हमने कहा था आपने देख। लेकिन सो नहीं पाया है। हम इनको अपनी लोरी सुना देते हैं, कौन सी वाली, शायद सो जाए। हाँ। तो हम लोरी सुना रहे हैं सर। जी जी शायद। देखिए सो गया सर, सो गया। वो जरा प्यारी वाली लोरी सुनानी पड़ती है, हमारे बच्चे थोड़े से अग्रेसिव हैं। इफ यू डोंट माइंड। आहा सो गया। चलिए सर, सो गए हैं बच्चे, अब हमारे जाने का वक्त हो गया। थैंक यू। बाय बच्चा। हेलो गप्पू अंकल। हेलो अर्चना मैम, नमस्ते। हेलो अक्की अंकल। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल नमस्ते। हाय जी अंकल। परिणीति आंटी से मिलो। हेलो अक्षय भाई, ये बच्चा याद आया था ना जो इसका सबसे बड़ा बेटा गुड्डू। नहीं नहीं अंकल, ये गलत बात है। मैं बच्चा जाधव का बेटा नहीं, बच्चा जाधव मेरा बाप है। हेलो बड़ी जी नमस्ते। आपको ना मैं थैंक यू कहने वाला था। क्यों? क्योंकि ना मेरे पापा कहते हैं कि परी आती है और छोटा सा बेबी ऐसा रख के चली जाती है। थैंक यू, आपकी वजह से मेरे 10 भाई बहन हैं। गुड्डू तू स्कूल क्यों नहीं गया आज? मेरी बस छूट गई थी। तो बस क्यों छोड़ दी? वाह जी वाह, वो बेचारी मुझे रोज छोड़ती है, आज मैं बस नहीं छोड़ सका। वाओ। अरे बताओ, होमवर्क किया कि नहीं आज? होमवर्क? हाँ। वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी से होमवर्क कराता है? नहीं होमवर्क मैं ही करता हूँ, मैं कर नहीं रहा था। मम्मी ने चपेट तैयार की 90 डिग्री में, ऐसे घुमाई, मैं नीचे बैठ के दीवार पे हाथ बजा, मम्मी का हाथ सूख गया। गुड्डू तू अगर पढ़ाई लिखाई नहीं ना करेगा तो देखना बड़े होकर तेरी शादी, तो कोई लड़की नहीं देगा तुझे कोई। आपको मिली ना? तेरी शादी ने तेरी बैंड बजा दी। हाँ। अभी इससे कुछ सवाल पूछो ना, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा जी, मैं तो कहता हूँ आप पूछो, मैं ऐसा सुनाऊंगा कि आपकी सुनती बंद हो जाएगी। आपको क्या लगता है अंकल मैं पढ़ता नहीं हूँ? ना मुझे नहीं लगता। आप अक्षय कुमार अंकल सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अंकल मैं इतना पढ़ाकू बच्चा हूँ ना, मैंने पूरा ऐसे बनाया हुआ है अक्षय जी पे। अच्छा। अंकल मैं सुना दूँ आपको ऐसे? सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज जो मेरे ऐसे का शीर्षक है वो है अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार अक्सर बॉलीवुड में पाए जाते हैं। यह प्रातः 4 बजे उठ जाते हैं। जब अर्चना पूरन जैसे लोगों की पार्टी खत्म होती है तब इनका प्राणायाम शुरू हो जाता है। ये साल में हमें 4 से 5 फिल्में दे देते हैं। ये दूध नहीं देते क्योंकि सारा दूध खुद पी जाते हैं। थक ही गया मैं पढ़ाई करके। अक्षय अंकल ये मेरा पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया, अब ना मेरा गेम का टाइम शुरू हो गया। अच्छा। आप अंकल मेरे साथ खेलोगे ना? तो मेरा गेम का टाइम शुरू हो गया। परी, हाँ आप मेरी पार्टनर हो। ओह ऑफ कोर्स। और अक्की अंकल आप कपूर भैया के पार्टनर हो। हमारा गेम ये है कि मैं कुछ सुपरहिट फिल्मों के नाम परी जी के कान में बोलूंगा, वो आपको एक्शन से समझाएंगी। आपको वो बुझना है। बुझना, ठीक है? बुझना मींस गैस करना है। बुझना। हाँ जी इधर आओ। ये बहुत मुश्किल है। गो फॉर इट परी। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। हाँ पुरानी फिल्म है, मेरी फिल्म है। हाँ। अरे एक वर्ड है, अफलातून। हाँ। दो वर्ड, गरम मसाला। बोलता रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ। तू यहाँ खड़ा देख रहा है, मैं एंजॉय कर रहा था। गरम मसाला। अरे क्या यार गुड्डू, सॉरी सर, माय लो पाजी हमारा बेटा, रियली सॉरी सॉरी सॉरी, हमको माफ कीजिए, माफ कीजिए। आए अम्मा, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर खड़ा है तू, अब घर चलेगा, एग्जाम आने वाले हैं। पापा एक बात तो सुनो यार, एग्जाम तो हर साल आते हैं, परी तो कभी कभी आती है ना। और मैं एक बात बोलूँ, मुझे ना वैसे परी बहुत अच्छी लगती है। बेटा परी तो तेरे पापा को भी बहुत अच्छी लगती। अच्छा जी, मैं आज जाके मम्मी से बात करता हूँ। बात करो, देखो लगता नहीं कि मानेगी। मैं आपकी शिकायत लगाता हूँ कि अंकल आप इधर आ जाओ, मुझे ना इनके घर ठीक नहीं लग रहा। कि अंकल आप इतने लोगों की हेल्प करते हो, प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो। क्या चाहिए आपको? मुझे बाप बदलना है। कोई बाप कैसे बदल सकता है? क्यों? इधर बड़े बड़े नेता बदल जाते हैं, तो बाप किस खेत की मूली है? अरे बच्चा यादव में क्या बुराई है? अंकल बुराई, ये बंदा मेरा मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा। सच में यार। अंकल आप हॉलीडे पे मालदीव्स, लंदन जाते हो, ये हर बार दरभंगा ले जाते हैं। अच्छा नहीं लगता अंकल, मुझे आप अपना बेटा बना लो अंकल। भाई ले जाया करो इसको घुमाने। अभी अभी लेकर जाएंगे, चल मालदीव चलते हैं, आजा आजा आजा, लेके चलता हूँ, आजा आजा आजा, चल तेरी धुलाई करता हूँ। अच्छा जी, मैं भी आपका बेटा हूँ, अगर 911 पे फोन कर दिया ना तो आपका जो बॉडी है ना भरता बना देंगे, समझे? अरे कैसा बच्चा है ये, अरे कैसा बाप है ये। चलो आप चलो। हाँ तो जाते रहे। चलो ना, आओ ना फिर। आए बड़े, हटो पीछे। माफ कीजिएगा, माए लो पहुंचे तो नहीं आ पाएंगे, कोशिश करके देखें। चलो 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 चलो। बाजी एक डिबेट कर रहे हैं हम खास मुद्दों के ऊपर, तो हम चाहते हैं कि आप भी उस डिबेट में शामिल हो। प्लीज जल्दी जल्दी डिबेट वाले लोग यहाँ पे आ जाएं। नमस्कार 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 नमस्कार। पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आप सभी का बात की खाल में स्वागत है। नमस्कार, हम हैं रोमांटिक पुत्र बच्चा यादव जी, हाँ बात की खाल के इकलौते संचालक। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि इस तरफ हमारे साथ हैं यूनिवर्स के सबसे ज्यादा फिट, सबसे ज्यादा हिट, सबसे ज्यादा डैशिंग और बॉक्स ऑफिस पे कैशिंग, वन एंड ओनली अक्षय कुमार। और उनके साथ हैं गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, ओवरडोज ऑफ हॉटनेस, ओनर ऑफ फॉरेनर जीजा, द वन एंड ओनली ब्यूटीफुल परिणीति चोपड़ा। और इस तरफ एक और यहाँ पर मौजूद हैं जो घास तक नहीं डालते, जिसे प्रेम चोपड़ा, द वन एंड ओनली सपना। ए, मुगलों के सेकेंड हैंड हाथी, ज्यादा बकवास मत करना इधर। ये हाँ भूरी हमारी साली यानी आधी घरवाली आधी घरवाली एक मिनट आधी किधर है पाव किलो जब मैं रिसेप्शन पे खाना खाने जाती ना तेरे से ज़्यादा तो मैं सौंफ खा लेती है उधर इतनी सी है सौफ अली खान जरा तमीज में रही है साली है हमारी तो सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। हेलो अक्षय क्या हाल है? बाजी बढ़िया। परिणीति जी क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। ओह मुझे भी थोड़ा इंट्रोड्यूस कराओ यार। हाँ मैं बताती है ये पता है कौन है कोलंबस जब भारत की खोज में आया था ना तो वो चला गया इनको इधर छोड़ गया वो हड़प्पा से लेकर कटप्पा तक सब देखेला इन्होंने हाँ जब तुम्हारी माँ धर्मशाला के मैनेजर के साथ भागी थी वो भी मैंने देखी है फिर माँ के बच्चा पला होना तो ऐसी बातें करता है इम्तिलाल जी थोड़ा सा सेटअप हो जाइए बात की खाल में आप सभी का स्वागत है शुरुआत करते हुए सबसे पहला मुद्दा जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं हेलो 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 हाँ जी अच्छा मैं हेलो हाँ सोनी साहब सोनी टीवी हेलो अच्छा मुझे दूसरे चैनल से ऑफर आ रहे हैं हाँ मुझे एक मोटरसाइकिल ले दो नहीं तो मैं बिक गया हूँ मैं हूँ बिकाऊ हाँ अच्छा आपको भी सेम टू यू वाह 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 चोपड़ा साहब की बेटी आई वाह 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 बहुत अच्छा लगा प्रेम जी कैसे हैं प्रेम चोपड़ा की बेटी नहीं है अरोड़ा साहब जहाँ प्रेम होता है वही ऐसे बच्चे होते हैं और जिनके माँ बाप लड़ाई झगड़ा करके सोते हैं वहाँ फिर ऊद बिलाव जैसे बच्चे होते हैं ये चलते शो में हर बार आप कैसे घुसाते हैं यार आज तो चलते शो में ही तो आदमी को आना चाहिए जो शो नहीं चलता उसमें कह को जाने का क्यों अर्चना जी सपना माना कि तेरे पास शक्ल तो है नहीं जमीर भी नहीं है जमीर से क्या होता है सर आप मुझे बताइए कुछ नहीं सब्जी बन सकती है क्या जमीर की मटर जमीर सुने लायक है कभी नहीं ना मटर पनीर रहता है पनीर के लिए पैसा चाहिए जमीर गया तेल लगाने मैं तो जाती है समीर अमीर को चुपकर सबनुल्ली क्या सबनुल्ली बुलबुल्ली कर रहे हो गालियां तो मुक गई हैं तो मुझसे ले लो थोड़ी सी हाय 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 मेरा यार कीमती लाल और सुना तेरी बवासीर कैसी है 5 साल की होगी अब तो स्कूल भी जाना शुरू कर दिया उसने यार मैं अच्छा कितने दिनों बाद देख रहा हूँ हालांकि तेरा मुंह वैसा का वैसा ही है तू आजकल रहता कहाँ है मैं इधर पीछे रहता हूँ आजकल तो पीछे रहने में तकलीफ नहीं होती आगे रहा करो क्या बात है पहले एक ही भंकस करने वाले अंकल के अब 2-2 हो गए वाह गए हम लोग देखो बेटा मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ लाइक अक्षय कुमार अच्छा 2 मिनट में मैं लौंडों को पीट देता हूँ और 2 मिनट बाद वही लौंडे इन्हें पीट देते हैं एक मिनट मेरी बात सुनो जो बाद में मुझे लौंडे घर छोड़कर जाते हैं वो तो तुमने बताया नहीं क्यों अर्चू अर्चू बिरचू क्या होता है अर्चू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी दोस्त है वो हम स्कूल मेट्स हैं काहे का स्कूल मेट कहाँ वो कहाँ तू हट अब हमसे रोज रोज बाल नहीं डाई होते हम क्या करें ओए 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 मेरे से 3 क्लासें पीछे थी ये अच्छा मैंने बड़ी वेट की इनकी मैं अपनी क्लास में फेल होता गया लेकिन ये मुझे मिली नहीं क्यों क्योंकि ये अपनी क्लास में फेल होती रही संचालक होने के नाते हम आप दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि वाहियात बातें हाँ। बंद करते हैं हाँ। हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं हमारा सबसे पहला मुद्दा है सर फिटनेस तो हमें बताइए सर कि अकी जी आप तो फिटनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो जो फिटनेस है ये चीज कितनी ज्यादा जरूरी है ये हम जानना चाहते हैं अच्छा फैट बंदा फिटनेस की बात कर रहा है अक्षय साहब मैं आपको एक बताऊं ये इतना भयंकर फाटता है आप यकीन नहीं करेंगे एक बार इसने लेटे लेटे फाड़ दिया ये ऐसे उड़ के पंखे को लगा उसके सारे पंखे तोड़ दिए पंखा पोपला हो गया इतनी तीव्रता इसके फाट में अच्छा चीप चीप कह रही है जब तेरा जीजा फाटता तब कहती जीजू वंस मोर अरोड़ा साहब आप जरा अपनी बात कीजिए हमारी फाट छोड़िए आपके फाट मैं कैसे छोड़ सकता हूँ आप छोड़ सकते हैं इतनी बड़ी तोप भगवान ने हर किसी को थोड़ी दी है। सही बोले अंकल, मैं आपकी बात से सहमत है पागल अंकल, लेकिन मैं तेरे मुंह से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। तू अपने नाक पे नींबू रख के गन्ने वाली मशीन में अपना मुंह दे दे, इतना गंदा मुंह है तेरा। आय हाय हाय, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अथू सर, फिटनेस कितना जरूरी है बताइए ना। फिटनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिटनेस से आपकी तंदुरुस्ती रहती है, आपकी उम्र रहती है, तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे सर आप कहते हैं कि आपके हिसाब से ज़्यादा फैट, घी, तेल, मीठा, चुपड़ा हुआ ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही बोलते हैं, हमें कहते हैं चुपड़ी रोटी नहीं खानी चाहिए। खुद चुपड़ी लड़की के साथ फिल्म कर रहे हैं, परिणीति चुपड़ी। आपकी क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, मार्केट में चंद खूबसूरत लड़कियां बची, उनमें से एक प्रियंका चोपड़ा को बाहर ले गए निक जॉनस। मेरा वीजा लगने दो, मैं वापस लेके आऊंगा। हमारे लिए क्या बचता है? ये तो आज आइए परिणीति, नहीं तो ये देखो, ये जनरेटर जैसी लड़कियां देखने को मिलती है। हम अगला मुद्दा आप छेड़ रहे हैं, हमारा अगला मुद्दा है जल्दी सोना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है या देर से भी सो सकते हैं? मैं तो खुद काफी दिनों से नहीं सोया हूँ। क्यों भाई, क्या हुआ? मुझे कोई बताता ही नहीं कि रात हो गई है। परिणीति जी, मैंने आपकी मम्मी को मिलना है। क्यों? क्योंकि जिसकी बेटी इतनी खूबसूरत है उसकी मम्मी कितनी संस्कारी होगी। पूरी बात तो सुन लो। देखिए चलिए दिल की बात कर देते हैं। परी जी, हम भी आपसे कहना चाहेंगे ना, आप अपना फोन नंबर हमको दीजिएगा। अच्छा। नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं, कभी एक बार मिस्ड कॉल दे दीजिएगा। खाली बीवी को थोड़ा सा जलाना है और जताना भी है कि हम अकेले नहीं है दुनिया में। वाह वाह वाह। एक बार ऐसा अगर हो जाए। मैं आपको अक्षय सर का नंबर देती तो उनको मिस्ड कॉल दो आप, फिर देखते क्या होता है आपका। तो लीजिए इसी बात को इग्नोर करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए। पार्टिसिपेट के बाद की खाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवी और सज्जनों, यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना ये शो। ये बहुत ही बकवास बातें किए जा रहे हैं, मजबूरन हमें ये शो यहीं पे खत्म करना होगा। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार अक्षय बाजी और परिणीति के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपना कीमती समय निकाल के आए। और हमारे जवानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अक्षय भाई आपका भी बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने केसरी जो मूवी है वो भारत के वीर जो है उसको डेडिकेट किए। बहुत बहुत धन्यवाद पाजी आपका। और पाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? अब ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो फिल्म केसरी है ये हमारे सारे जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए पूरा डेडिकेट किया हुआ है जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम जी सकें। और इसके अंदर एक गाना भी है, मैं वो गाना आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। ये गाने के जो वर्ड्स हैं ये आप ध्यान से सुनते रहिएगा। ये जब किसी जवान को गोली लगती है तो उसके दिमाग में क्या दृश्य आता है, वो क्या सोचता है, ये गाना है उस बारे में। ये गाना एक बहुत अच्छे सिंगर ने गाया है, बी प्राक करके, बहुत ही फेमस सिंगर है। एंड बहुत मतलब मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इन माय करियर आई वुड से दिस सॉन्ग इज। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा। कपिल और सारे इतने भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाजी, गाना सुना और थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, खुश रहें, देखते रहें कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।